हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बताएंगे, अक्सर ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा या अटलांटिक महासागर की या हिंद महासागर की, ये सब ज्योग्राफी में क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्ज़ाम में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सी धाराएं लिख दी जाती है और पूछा जाता है इसमें से प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा है। तो अगर हम एक एक ट्रिक, जैसे ठंडी जलधारा की हमने याद कर ली है, छोटी है, तो हम गर्म जलधारा आराम से पकड़ सकते हैं, गर्म जलधारा कौन सी होगी और कौन सी नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक है इसकी, हम अकेले क्यों हैं, हम अकेले क्यों हैं, ये इसकी ट्रिक है। हम अकेले क्यों हैं, तो हाँ से हो गया हम्बोल्ट, हम्बोल्ट जलधारा, और अंग से हो गया है अंटार्कटिका की धारा, ये इस पे होगा अंटार्कटिका की धारा, और केले से होगा कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, और चौथा से है क्यूराइल। तो इसकी प्रशांत महासागर की ठंडी की जलधारा कितनी है, 4000 है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, हम अकेले क्यों हैं, तो हम से हो गया हम्बोल्ट, अकेले से अ से हो गया अंटार्कटिका, और केले से कैलिफोर्निया, आपको मालूम चला केले से कैलिफोर्निया, क्यों से क्यूराइल हो गया है। तो 1 2 3 4 इसकी 4 जलधारा हैं। देखिए कितना ईजी ट्रिक है। तो ऐसे ही आपको हम प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा की भी ट्रिक लेके आएंगे, लेकिन अगर आपने एक ट्रिक इसमें से याद कर लिया, गर्म या ठंडी जलधारा, तो आप कोई भी आप क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड आप तुरंत ही इसको कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही ट्रिक्स कल फिर लेके आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।